बच्चों क्वेश्चन करंट का है और इस क्वेश्चन में हाफ ऑफ पीक वैल्यू टू इट्स पीक वैल्यू सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक साइनोसोडलका ड्रॉ करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वोल्टेज और करंट का फ्लो है क्योंकि यहाँ पे प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो वी इज इक्वल टू अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो जो I होगा वो भी सेम होगा not नॉट साइन टी होगा दे सेम प्योर राइट? तो दोनों का 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 वैसे बनेगा एक का बस एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और एक का कम होगा गे? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगलीक्वल टू है टू हंड्रेड टू ट्वेंटी साइन हंड्रेड आई टी ओके और रजिस्टेंस हमें स्टूडेंट फिफ्टी अब हमें क्या निकालना है पे हमें टाइम निकालना है, मतलब है, है? राइट right? तो हाफ ऑफ द वैल्यू एट थर्टी डिग्री एंड थर्टी डिग्री इज बेसिकली अगर हम लोग टोन्स में लिखते हैं तो कितना आ जाएगा ये तो आ जाएगा पाई बाई बाई और टाइम के टाउन में लिखेंगे तो यह? okay, so तो मैं बात करता हूँ मान लो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ जैसे पॉइंट हो गया ए ये वाला पॉइंट हो गया ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी ठीक है तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ए टू बी ओके जब हम ए टू बी जा रहे हैं तो हमारे पास जो करंट है ए टू बी में करंट कितना पहुंच पहुंच गया गया तो जो अब करंट होगा यहाँ पे होगा क्वेश्चन अगर वोल्टेज भी इतनी है तो करंट भी इतना होगा तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया हाफ आ गया कितना साइन पाई बाई सिक्स सही है तो साइन फाइव बायस इज इक्वल टू साइन हंड्रेड टी तो यहाँ पे अगर ये एंगल फंक्शन सेम है तो ये एंगल जो ब्रैकेट में यहाँ पर सेम होंगे तो पाए सिक्स इज इक्वल टू हंड्रेड पाई टी तो यहाँ से टी वन लिख लेते हैं ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ से टी वन कितना आ जाएगा तो ये तो आ गया टी वन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स हंड्रेड अब हम जाते हैं कहा से कहा अब हम जाते हैं एट से लेके सी तक ठीक है दिस पॉइंट इज सी ओके तो ए टू सी तो ए टू सी में क्या हो रहा है हम जीरो से आई नॉट तक जा रहे हैं तो यहाँ पर जो टोटल करंट है वो आई नॉट है मतलब इस पूरे पाथ में एंड इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन हंड्रेड पाई टी ठीक है तो ये कैंसिल आउट हो गया तो वन वन कब होता है तो वन होता है साइन पाई टू पे तो साइन पाई टूल टू साइन हंड्रेड पाई टी राइट तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे बट विल गेट विल गेट पाई बाई टू इज इक्वल टू हंड्रेड पाई टी तो पाई से पाई कट गया तो यहाँ पर आ गया कितना वन अपॉन 200 So this will be our T2 अब हमें निकालना क्या है T2 में से इस टोटल टाइम में से हमें क्या सबट्रैक्ट करना है स्टूडेंट तो इस टोटल टाइम में से हमें T1 सबट्रैक्ट करना है तो T2 इज आवर टोटल टाइम ठीक है और T1 जो है वो कहां से काहे A2 B टोटल टाइम बेसिकली है हमारा A2 C ठीक है तो अब हमें जो टाइम डिफरेंस निकालना है वो होगा टोटल टाइम में से जो भी A2 B वाला टाइम है उसे सबट्रैक्ट कर दें तो 1/200

So we'll get 3.3 milliseconds. So this will be our answer option C.